उधर मुख्तार को यूपी लाने को लेकर यह बड़ी खबर है। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है बांदा जेल शिफ्ट करने का बंदोबस्त करें। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर पंजाब सरकार की यूपी सरकार को चिट्ठी। मुख्तार को रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करने को लेकर यूपी सरकार बंदोबस्त करे, ये चिट्ठी में पंजाब सरकार ने लिखकर भेजा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 8 अप्रैल तक अंसारी को यूपी शिफ्ट किया जा सके। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार की चिट्ठी के जवाब में शिफ्टिंग के अरेंजमेंट्स करने को कहा है, मतलब पंजाब सरकार मुख्तार को यूपी भेजेगी और इसीलिए उसने कहा है यूपी सरकार को जवाब में अपनी चिट्ठी में कि वो बांदा जेल में इसके बंदोबस्त करे। मुख्तार को यूपी लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंजाब सरकार ने अब यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी का जवाब दिया है जो यूपी सरकार ने पंजाब सरकार को भेजी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए। मुख्तार को यूपी लाने की तैयारियां किस तरह तेज हो गई हैं? चिट्ठी लिखकर पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को कहा है कि वो बंदोबस्त करे बांदा जेल के अंदर। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है बंदोबस्त करें। हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, तो प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास पंजाब सरकार का कहना कि बंदोबस्त करें यानी कि जल्द ही यूपी की जेल में ये अपराधी होगा। जी राजीव, देखिए पंजाब सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें 8 अप्रैल तक कहा है कि 8 अप्रैल तक सारी तैयारियां कर लें, यानी अगले 3-4 दिन में मुख्तार के पूरे संभावना है कि यूपी पहुंच जाएगा। और बांदा जेल में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, बांदा जेल में जेल विभाग को पूरी टीम को लगाया गया है कि बांदा जेल, चूंकि बांदा जेल से ही मुख्तार को रोपड़ पंजाब ले जाया गया था और इस समय वहां पर वापस उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस बांदा जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। वहां से आगे वो किस जेल में जाएगा, सुरक्षा वजह हो या कोई और वजह हो, ये बात की बात है। ये MP MLA कोर्ट प्रयागराज में तय होगा कि वो कहां जाएगा। फिलहाल मुख्तार को बांदा जेल में ले जाया जाएगा और बांदा जेल में सारी तैयारियां जेल विभाग ने शुरू कर दी हैं। वहां पर जो भी बंदी हैं उनकी सूची बनाई जा रही है, उसमें कौन कौन से बंदी ऐसे हैं, मुख्तार के विरोधी कौन है, मुख्तार के समर्थक कौन है, इस तरह की सूची बन रही है ताकि वहां पर किसी तरह से सुरक्षा को मुख्तार की खतरा ना हो। बहुत संवेदनशील मामला है, जेल में पहले भी मुख्तार की तबीयत बिगड़ चुकी है और उन्होंने जहर देने का आरोप लगाया था, बांदा जेल में आरोप लगाया था कि उनको जहर देने की कोशिश की गई जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसलिए पुलिस प्रशासन और जेल विभाग फूक फूक कर कदम उठा रहा है, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और जो तैयारियां चल रही हैं महकमा जो गृह विभाग है वो भी पूरी तरह से एक एक जेल विभाग के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए और नजर रखे हुए हैं कि क्या चीजें होंगी। वहां एक टीम स्पेशल टीम जो जानी है बांदा को पंजाब जेल से पंजाब पुलिस ही लेकर आएगी बांदा जेल तक उसको शिफ्ट करने का, लेकिन जो स्पेशल ये टीम जो महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं विवेक, रास्ते ये महत्वपूर्ण बात जो आप बता रहे हैं कि पंजाब से मुख्तार जब यूपी लाया जाएगा तो क्या बॉर्डर पर हैंडओवर किया जाएगा यूपी पुलिस को या फिर बांदा जेल तक पंजाब पुलिस ही अपने व्हीकल से पहुंचाएगी मुख्तार को? जी देखिए आस्था, ये जेल विभाग जिस तरह से यहां बांदा से ले गए थे, जेल विभाग की पुलिस ले गई थी और पंजाब पुलिस ले गई थी, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ लिखा है कि मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए और ये काम, ये प्रक्रिया पंजाब की पुलिस और पंजाब की जेल पुलिस, चूंकि जेल से जेल के ट्रांसफर की प्रक्रिया जेल पुलिस ही करती है, उसके साथ जो स्थानीय पुलिस रहती है वो सहयोग में रहती है, सुरक्षा के लिए रहती है, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है इसलिए यहां से भी STF और उनकी लोकल जो एजेंसियां हैं, जो बांदा की पुलिस है वो भी जा सकती है, बांदा की जेल पुलिस भी जा सकती है। कुछ स्पेशल जेल से जेल टू जेल शिफ्टिंग होगी, आप बता रहे हैं विवेक, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, अब सबकी निगाहें हैं MP MLA कोर्ट पर कि बांदा जेल के बाद कहां शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी को, ये कब तक तय किया जा सकता है, क्या कोई सुनवाई होनी है आज कल में, कब तक सुनवाई हो सकती है? संभावना जताई जा रही थी, आखिर वही कुछ हुआ। संभावना यह जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ना तो अनदेखी कर सकती है ना उस मामले में लापरवाही बरत सकती है। यही वजह है कि पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिख करके ये साफ कर दिया है कि 8 अप्रैल से पहले जो है मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है कि पंजाब पुलिस उसे पंजाब से लेकर के निकलेगी, उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना देगी, बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों पुलिस का सुरक्षा घेरा होगा, सुरक्षा घेरे में सड़क मार्ग से जो है मुख्तार अंसारी को बांदा जेल तक लाया जाएगा और बहुत कुछ मुमकिन इस बात को लेकर के है कि जो पंजाब पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को किसी एम्बुलेंस में लेकर के आए ताकि वो एक मैसेज दे सके कि वो वाकई
मुख्तार अंसारी सचमुच बीमार था और पंजाब पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं बरती थी, कोई हमदर्दी नहीं बरती थी। तो बांदा जेल में सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं, पूरी बांदा जेल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो आसपास की अन्य संभावित जेलें हैं जहां पर मुख्तार अंसारी को बांदा के बाद रखा जा सकता है, वहां भी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो बड़े अधिकारी जेल के हैं या पुलिस महकमे के हैं, वो मुख्तार अंसारी को ज्यादा दिनों तक बांदा जेल में रखे जाने के पक्ष में नहीं है। दरअसल बांदा जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक नहीं है, स्पेशल सेल नहीं है, जो बांदा जेल की क्षमता है वहां उससे 2 गुना ज्यादा कैदी हैं। तो कई वजहें हैं जिस वजह से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल बहुत दिनों तक नहीं रखा जाएगा। इस मामले में फैसला, अंतिम फैसला जो है वो प्रयागराज की स्पेशल MPML कोर्ट को करना है। वहाँ औपचारिक तौर पर आदेश भी आ गया है, कल कोर्ट खुल सकती है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन के अंदर ही फैसला आ सकता है या फिर जी हाँ बिल्कुल अगले 1-2 दिन के अंदर ही फैसला आ सकता है। आप और उस पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन अहम जानकारी के लिए। राकेश टिकैत पर कथित हमले के बाद महापंचायत आज गाजीपुर बॉर्डर पर होगी। किसानों की महापंचायत, कथित हमले के विरोध में आज महापंचायत कर रहे किसान। सिसौली में आपात महापंचायत में फैसला लिया गया था और आज गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत करने जा रहे हैं। राकेश टिकैत पर कथित हमले के आरोप के बाद ये महापंचायत गाजीपुर में होने जा रही है। और हमारे संवाददाता शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को कोई एक मौका मिलता है उसको भुनाने के भरसक प्रयास होते हैं, उसी तरह जो ये कथित हमला है इसको भुनाने के भरसक प्रयास आज महापंचायत। इस महापंचायत के बारे में बताइए कि कितने बजे होगी, क्या क्या रहेगा, कौन कौन पहुंचने वाला है। ये देखिए बिल्कुल है, इसमें नरेश टिकैत पहुंचेंगे और जो खाफ के चौधरी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये वह महापंचायत है जो 17 तारीख को हुआ करती थी, अब इसका समय बदलकर 4 तारीख रख दिया गया है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर आज फिर गर्मा गर्मी बढ़ने वाली है नरेश टिकैत के पहुंचने के बाद। वहीं राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत आज गुजरात में रहेंगे। जिस तरीके से राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ, जो बताया जा रहा है कि उन पर हमला हुआ, उसको लेकर लगातार जो महापंचायतों का दौर है दोबारा शुरू हो गया जिला मुजफ्फरनगर में ही, उसी को लेकर जो मुजफ्फरनगर से, शामली से, आसपास के जिलों से जो खाप के चौधरी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जो रणनीति है अगली वह बनाई जाएगी जी। ये बताइए कि आज नरेश टिकैत के पहुंचने का समय क्या रहेगा और क्या रहेगा आज? 11 बजे आ जाएंगे और 11 बजे से 7 बजे तक प्रोग्राम है यहाँ पे मंच पे। प्रोग्राम आखिर रहने क्या वाला है? नरेश टिकैत यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ कौन कौन लोग? जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर महापंचायत होने जा रही है, चर्चा होगी, मंथन होगा और जो हमला, कथित हमले की बात वो बार बार कह रहे हैं उसको लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बलराम से भी अपडेट लेते हैं। बलराम, पहले सिसौली में महापंचायत हुई, वहां पर क्या तय हुआ? खबर ये भी आ रही थी कि कहा जा रहा है कि अगर हमलावर गिरफ्तार नहीं हुए या जेड सिक्योरिटी नहीं दी गई तो फिर बॉर्डर जाम करेंगे। बिल्कुल आस्था, कल जो राकेश टिकैत है उनके गांव सिसौली में आपात बैठक बुलाई गई जिसका नेतृत्व खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किया। वहां पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर 1 बजे महापंचायत की जाएगी जिसमें नरेश टिकैत के साथ कई खाप चौधरी भी शिरकत करेंगे और यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार जो राकेश टिकैत पर हमला हुआ है उसको लेकर के जो ये आंदोलन है वो किस दिशा में जाएगा और किस तरीके से इस हमले का विरोध किया जाए, क्योंकि जो किसान है वो इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोशित हैं कि जिस तरीके से उनके नेता पर हमला हुआ है और लगातार किसानों का उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के इस महापंचायत में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं आस्था। और इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर ये महापंचायत होनी है। आप देख सकते हैं मंच लगा हुआ है, जो किसान है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पेट्रोलिंग करके स्थिति का सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो राकेश टिकैत पर कथित हमले के बाद अब उसको भुनाने के पूरे पूरे प्रयास। बलराम बहुत शुक्रिया और शक्ति आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।